कह रहे हैं हम हैप्पीनेस बांट रहे हैं। हैप्पीनेस इतना बांट रहे हैं कि एक बोतल पे एक बोतल फ्री वाली भी इसकी उनके पास है। मुद्दे की बात ये है, देखिए ये देखिए नहीं आपके बीच में ये झूठापन मैं फिर बताया। अरे कौन सी बोतल समझ ली आपने, कौन सी बोतल समझ ली, किस बोतल में तुम आ रहे हो, आपने कौन सी बोतल समझ ली। नहीं मैं अगर आंकड़ों की बात करूंगा अगर मैं तो इनके बीच में नहीं कर रहा हूं। एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी को ये क्लैरिफाई करना चाहिए कि कौन सी बोतल की बात कर रहे हैं। अब आप बताइए बोतल कौन सी, परेशान हो गए। देखिए अरे बोतल से वो दो एक ही बोतल समझ रहे, समझ जाइए आप। मुद्दे की बात है, जो फ्री जो फ्री करी उसी के बारे में सोच रहे हैं। मुद्दे की बात है, लोगों को सशक्त जैसे 74 लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए उसके बारे में बताइए ना। देखिए मैं फिर आ रहा हूँ। देखिए वो जो पूरा मामला है, अब उसमें दिल्ली पुलिस ने भी एक केस फाइल कर दिया है, वो पूरा मामला बढ़ गया आगे। जी जी भाई, 74 लोगों की मौत हो गई, जवान जी खुली बीजेपी की जनता की, काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है, जहरीली शराब पीने से अच्छा हुई है। एक सेकंड, जहरीली शराब पीने से 74 लोगों की मौत हो गई, प्रेम शुक्ला जी 74 लोग जहरीली शराब पीने से मर गए, उनके ऊपर कौन बात करेगा। एक सेकंड, प्रेम शुक्ला पहले प्रेम शुक्ला अपनी बात को रख ले। ओके, आपने क्या बोतल की बात करी, सब बोलने लग गए, इतना चढ़ गई बोतल। देखिए आप गुजरात में है नहीं, छोड़िए आप फिलहाल छोड़िए। अरे चीखना बंद कर। देखिए पांचों इस मुद्दे पर तो राजी है। देखिए शिक्षा जैसे है तो शिक्षा लोगों की मुफ्त की व्यवस्था होनी, सरकारी शिक्षा सरकारी विद्यालयों में, महानगर पालिका के विद्यालय, जिला परिषद के विद्यालय लगभग सब राज्य में है। आदरणीय मोदी जी जिनके यहाँ बिजली नहीं, जैसा अनुराग जी ने कहा, सौभाग्य योजना पहली बार 70 वर्षों में लोगों के यहाँ मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिए गए, एलपीजी गैस कनेक्शन, अमीरों ने सब्सिडी छोड़ी और गरीबों के घर में एलपीजी गैस कनेक्शन गए। अच्छा आपने के बोतल, आप क्या कर रहे हैं, आपने बोतल का ये नाम क्या कर रहे हैं, आपने बोतल का नाम, ये बोतल वाली पॉलिटिक्स क्या है, वो कहते हैं हमें फंसाने की कोशिश हो रही है। अरे साहब ये दशा है कि जो रेजिडेंट एरिया है जहाँ आप शराब का पास नहीं कर सकते, और दूसरा आदरणीय केजरीवाल जी जब लोकपाल योजना थी, इनको इनको लोकपाल बता देगा। आपको ठेके पता है भाई, ठेके की कितने बताइए, आंकड़ा बताइए। अरे सुनिए तो पहले, इन्होंने कहा था कि अगर किसी इलाके में शराब की नई दुकान तभी खुलेगी जब वहां की महिला समिति अनुमति देगी, ये कहा था कि नहीं कहा था। नहीं, एक आरोप आप पे लग रहा है कि एक तरफ आप फ्री की सियासत कर रहे हो, दूसरी तरफ आपने शराब ठेका की पॉलिसी को बड़ा इजी कर दिया है और वहां पर आप गलत काम कर रहे हो। आप पे आरोप लग रहा है शराब का स्कैम हो गया है दिल्ली के अंदर, तो एक तरफ फ्री बिजली पानी, दूसरी तरफ स्कैम। अमित जी देखिए, पहली बात बीजेपी आरोप लगा रही है कि गुजरात के अंदर शराबबंदी है, सबको पता है गुजरात ड्राई स्टेट है। दिल्ली की बात कर रहा हूं, एक मिनट मैं जवाब दे रहा हूं ना, दिल्ली की बात कर रहा हूं, दिल्ली पे देखिए जवाब तो लेना पड़ेगा ना अमित भाई, ऐसे थोड़ी चलेगा। गुजरात के अंदर 74 लोगों की मौत हो गई, वहां तो शराबबंदी है, और गुजरात सुन लीजिए, गुजरात गवर्नमेंट ने शराबबंदी से 15,000 करोड़ रुपए किसके जेब में जा रहा है, पहली बात है। दूसरी बात ये, इन्होंने कहा, मैंने जो सवाल पूछा, एक तरफ फ्री बिजली पानी, दूसरी तरफ शराब का स्कैम, के अंदर 2000 ऐसी दुकानें थी जहां अवैध शराब बिकती थी, झुग्गी में, झोपड़ी में, जहां नकली शराब बिकती थी, जिससे लोगों की मौत होती थी, उन एक्साइज पॉलिसी लाके उन दुकानों को बंद किया गया। और आज दिल्ली के अंदर 2015 में दिल्ली के अंदर 848 ठेके थे, और मैं चैनल से कह रहा हूं आपके चैनल पे, आज दिल्ली के अंदर 464 ठेके, मैं दावे से कह रहा हूं, चेक करा ले लो, झूठ का प्रोपेगंडा बनाना, ठेके गिने आपने दिल्ली के, 750 दुकानें रेजिडेंट एरिया में, बोतल गिन लिया आप लोगों ने, ठेके गिने कि नहीं गिने, और उसमें भी रेजिडेंट एरिया में जहां पर ठेके दिए जा सकते हैं, ठेके गिनवा रहा हूं आपके लिए, नहीं देखे बाकी के बगल में आप कल को ये मत बोलो नमकीन की दुकान भी गिन रही है गली गली में, और चीफ सेक्रेटरी खुद कह रहा है कि साहब इनकी जांच करो, कौन कह रहा है, अरे चीफ सेक्रेटरी नहीं, सीबीआई के मुर्दात भेजो ना, उनके दोषी ये लोग हैं, जब खड़े तो चीखेंगे चिल्लाएंगे, उनके दोस्त ये लोग हैं, दारू का माल पचा गए हैं जेल के दरवाजे पे, ठीक है, वो कह रहे हैं आप जेल के दरवाजे पे खड़े हैं, दीप कुमार एक सेकंड, वो कह रहे हैं आप जेल के दरवाजे पे खड़े हैं, अभी खूब चीखेंगे चिल्लाएंगे, केजरीवाल कह रहे हैं सिसोदिया जेल जाएंगे, केजरीवाल तो साइन करते नहीं है बेचारे, सिसोदिया जेल जाएंगे, भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाए, दो हेल्थ मिनिस्टर के जेल में है, और अभी भी कहता हूं हम जेल से डरने वाले नहीं है तुम्हारी, अरे जेल जाने ही वाले हो, डरने की क्या बात है, आपको अरे आप इतना भ्रष्टाचार कर रहे हो, भेजिए ना अभी गए, मैं क्या कह रहा हूं, भाजपा के भ्रष्टाचार की बात खुल रहेगी, जेल की बात आई तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, अरे बेशर्म है लोगों पे, आपने जिन पे आप इतने बेशर्म है, इतने आप लोगों ने की है, इतना बदकार है, जेल जाने के बाद चांद देखिए आचार्य जी, जेल की बात आई तो मुझे अभी हाल ही में जो सोनिया जी से और राहुल जी से लगातार पूछताछ हुई उसका ख्याल आया, आप लोग भी कह रहे हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन इसी बीच आपके एक वरिष्ठ नेता ने राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपत्नी कह दिया और जिसके कारण सदन में बहुत बड़ा बवाल हो गया। स्मृति ईरानी जी भी बहुत नाराज हो गई। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अमीश देवगन, एक तो ये बहस और आपने भी स्मृति जी को चेतावनी दे डाली। बहस बहुत अच्छी शुरू की थी आपने कि फ्री में क्या मिल रहा है, क्या मिलना चाहिए ना मिलना चाहिए, और बहस जो है शराब के ठेकों पर आकर के लड़ाई और महाभारत के युद्ध में तब्दील हो गई। और ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है अमीश देवगन जी के गुजरात में शराबबंदी देश की आज़ादी के बाद से है और वहाँ पर जहरीली शराब से इतने लोगों का मरना ये देश के लिए बहुत ही बड़ा कलंक की बात है। चाहे सरकार बीजेपी की हो, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, जहाँ शराब पी करके, जहरीली शराब पी के लोग उस स्टेट में जहाँ शराबबंदी है, तो ये सवाल तो खड़ा होता है, नंबर एक। नंबर टू, अब आपने बात की राष्ट्रपति महोदया की। देखिए भारत के अंदर राष्ट्रपति का जो पद है ये सर्वोच्च पद है, संवैधानिक दृष्टिकोण से सर्वोच्च पद है। राष्ट्रपति महोदया के विषय में जो भी टिप्पणी की गई है, चाहे वो हमारे नेता ने की या किसी और कोई पार्टी के नेता ने करी और किसी ने नहीं, 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 मैं कह रहा हूँ कभी भी की गई हो, आज से पहले या आज के बाद में, इस देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ऐसे सब पार्टियों में नेता हैं जो इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। मैं इस टिप्पणियों का विरोध करता नेता नहीं है, मैं विरोध करता हूं। अधीर रंजन चौधरी जी ने जो कहा है राष्ट्रपति महोदया के लिए वो बिल्कुल गलत है और वो देश को बुरा लगा है, मुझे भी बुरा लगा है, हमारी पार्टी के बहुत से नेता हैं जिन्होंने पार्टी के भीतर भी इस बात को उठाया। मगर जो सोनिया जी के साथ बर्ताव हो रहा है वो ठीक नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर सोनिया गांधी सबसे सीनियर लीडर्स में से एक हैं और अगर वो किसी से बात कर रही हैं और उनके ऊपर सारे के सारे सत्ताधारी दल के मेंबर पार्लियामेंट मिनिस्टर्स टूट पड़ते हैं तो मुझे लगता है ये एक सवाल उठता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सोनिया गांधी उस परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं जिस परिवार ने इस देश को कई दशक नेतृत्व दिया है और सोनिया जी ने जब से इस देश में ब्याह करके आई हैं उन्होंने इस देश की मर्यादा का, गरिमा का, संस्कारों का और संस्कृति का निर्वहन किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए सोनिया गांधी पर इस तरह का हमला बिल्कुल उचित नहीं। जवाब, जवाब। सोनिया गांधी पर कोई हमला नहीं हुआ। आदरणीय स्मृति ईरानी जी जब वो रमा देवी जी से बात कर रही थी उस समय उन्होंने पूछा कैन आई हेल्प यू हमला होता है। उन्हें सोनिया गांधी जो हैं वो ऐसी व्यक्तित्व हैं कि उनकी तरफ अगर किसी ने देख लिया तो कांग्रेसी उसकी आंखें निकाल देंगे, किसी ने उंगली दिखा दी उसके हाथ तोड़ देंगे, किसी ने कुछ, अरे भाई आप लोग आदरणीय स्मृति ईरानी को क्या क्या नहीं कहा कांग्रेसियों ने, आदरणीय राष्ट्रपति जी को, अभी उनको कहा इविल फोर्स, इनके MB पाटिल इविल फोर्स, यानी वो अशुभ हैं, अमंगल हैं, दुष्ट हैं, उसके बाद कह दिया कठपुतली हैं। उसके बाद जिसको पता, पहला वाक्य शब्द कहता राष्ट्रपति, दूसरा शब्द कहता राष्ट्रपत्नी, तो वनवासी समाज की महिला आज सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंच गई, तो जो इटली वालों की आरती उतारते हैं उनको इतनी पीड़ा होने क्या कारण है भाई, इतना अपमान करने क्या कारण, उतारी आरती आप, लेकिन हमारे वनवासी समाज की कोई महिला जाती है तो उसको जो है अभिनंदन करने का आप में जो है सौहार्द नहीं है, तो गरियाई है तो मत, अपमानित तो मत कीजिए। आचार्य जी की बारी। देखिए प्रेम शुक्ला जी ने मेरी बात को बहुत ही अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया और मैं तो प्रेम शुक्ला जी के बीच में नहीं बोला, मेरी आदत ही नहीं किसी के बीच में बोलने की। मेरी बात सुनिए, इस देश में कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत सी महिलाओं को आगे बढ़ाया है जिसमें प्रतिभा पाटिल भी महिला थी जो राष्ट्रपति बनी। प्रश्न ये नहीं है कि कांग्रेस की राष्ट्रपति बनी है या बीजेपी की, आदिवासी महिला है तो बिल्कुल सम्मान है, लेकिन अगर आदिवासी वो नहीं होती तो भी देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है। मैं कहता हूं कि उनके सम्मान में यदि किसी व्यक्ति ने भी टिप्पणी की है गलत तो मैं उसका विरोध कर रहा हूं। वक्त ब्रेक का है, आप देखते रहिए ये देश है हमारा।